हे प्रभु, ये क्या हुआ भाई? हो गया भाई हमारे साथ। दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका पार्ट टू में अपने कोल्हापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस के वीकली एक्सप्रेस जो है अपना, इसका पार्ट टू शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब करना और बाकी कंटिन्यू करिए। और एक दीजिए। हाँ, दो यह चाय की तरफदारी बहुत हो रही है भाई। चेक करते भाई, टेस्ट करते भाई। तो भी टेस्ट ठीक ही है ना भाई? इसमें 10 में से 9 ही दूंगा रेटिंग, बाकी ठीक है शायद। तो गाड़ी पहुंच चुकी है अपने बेलापुर। भाई साहब, बारिश हो रही है यहाँ पर। गाड़ी पहुंच चुकी है बेलापुर और देख ही सकते हो भाई, पूरा बारिश हो रहा है फिलहाल यहाँ पर। दोस्तों, लगभग 550 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम लोग बेलापुर अपने कोल्हापुर से, ठीक है। और बाकी बेलापुर मेनली मतलब जाना जाता है श्रीरामपुर के नाम से। दोस्तों, शुगर प्रोडक्शन में नंबर वन आता है बेलापुर या फिर श्रीरामपुर। तो यहाँ पर आने का समय था 7:50 और 52 में डिपार्चर, और आए हम लोग यहाँ पर 8:22 में, मतलब लगभग 32 डिले के साथ, और 22 में आए, 24 को निकलेंगे। CAG-1 है यहाँ पर, जो कि भैया अभी रेल देखने को मिल रहे हैं दोस्त के साथ चल रहा है फिलहाल। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आपको शिरडी जाना है तो यहीं पर उतरिएगा, कोपर गांव में है ना। और बाकी यहाँ पर 103 ट्रेनें हॉल्ट करती है स्टेशन कोड के पीछे, और यहाँ पर 8:30 आने का टाइम था। यहाँ पर 3 का हॉल्ट है इस ट्रेन का, 8:33 को निकलती थी। बाकी यहाँ पर 40 डिले के साथ आए हम लोग 9:10 को, और 9:13 को डिपार्चर हो गए, और है ना। बाकी यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, और 010 ओरिजिनल और 010 टर्मिनल आते हैं, और ये भी आता है अपने अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई ये भी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक अपन लोगों ने कवर कर लिया था 592 किलोमीटर अपने कोल्हापुर से, ठीक है। गोंडिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस जा रही है अपने पुणे होते हुए अपने कोल्हापुर की तरफ। तो गाड़ी पहुंच चुकी है मनमाड़ जंक्शन। तो दोस्तों, यहाँ अराइव हो रही है अपनी दानापुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो लगभग गाड़ी 634 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं मनमाड़ जंक्शन, और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन औरंगाबाद के लिए चली जाती है, और एक लाइन अपने नासिक की तरफ, और एक लाइन आप लोग जहाँ से आ रहे हैं, और एक लाइन अपने भुसावल की तरफ, और ये आता है अपने भुसावल डिवीज़न में, है ना। 250 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती है, और 4 ओरिजिनेट और 4 टर्मिनेट करती है अपने मनमाड़ जंक्शन से। टोटल 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और काफ़ी अच्छा स्टेशन है ना। बाकी देख ही सकते हो कुछ ऐसा है अपना स्टेशन। और यहाँ पर गाड़ी का आने का समय था 9:50 और 9:55 को डिपार्चर, और गाड़ी ठीक 2 डिले के साथ आई है 9:52 में। और दोस्तों, यहाँ पर आपको पानी और खाने की सुविधा, स्टॉल वगैरह मिल जाएगा, देख ही सकते हो। टी स्टॉल है और वाटर बॉटल 15 का, तो कुछ ऐसा है स्टॉल वगैरह। तो दोस्तों, गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है मनमाड़ जंक्शन से। The next day. तो ये हनुमान मंदिर है इटारसी के आउटर का, और अभी हम बढ़ रहे हैं भोपाल वाली लाइन पे। जय बजरंगबली। सुबह सुबह बजरंगबली के दर्शन हो गए। और ये सुबह सुबह नर्मदा माता के दर्शन हो गए भाई।
गार्ड सेक्शन है, ये पूरा बल्ब की तरह जाएगा ऐसा घूम के, देखो अपना ऐसा घूम के पूरा इस तरफ की तरफ घूम के जाएगा पूरा अपने गाड़ी। तो ये पूरा मिडगार्ड सेक्शन है, ले भैया हम जाएंगे अब टनल। भैया गाड़ी पहुंच चुकी है भोपाल, और यहाँ अपनी गोमो स्टील डीएमटी भाई वेब 7 के साथ आ रही है इटारसी की अपनी जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस चार्ज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत हो चुका है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से, और यहाँ तक लगभग हमने 1217 किलोमीटर कवर कर लिया अपने भोपाल जंक्शन तक, स्टेशन कोड BPL, और यहाँ टोटल 248 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, पर 18 ट्रेनें ओरिजिनेट और 18 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने भोपाल जंक्शन से, और ये आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के भोपाल डिवीजन में, और ये भोपाल ही एक डिवीजन है अपना, ठीक है। आए हमें 6:45 को यहाँ पर आने का, 6:25 को टाइमिंग था, 20 मिनट डिले के साथ आए हैं, और 10 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है, तो लगभग 6:55 को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए कुछ ले लेते हैं, और पानी वगैरह भी नहीं ख़त्म हो गया है, तो जो पुणे में वगैरह में लिया था, बाकी पानी वगैरह और नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं ब्रश करके, ठीक है, बाकी चलिए। भैया ये स्टॉल है भाई, चलिए कुछ लेते हैं भाई यहाँ से, यहाँ से पानी का बोतल लिया, नॉर्मल वाला दे दीजिए, चलेगा। कितने का है? 20। 15 का है ना ये, तो 20 का। तो फिर ठंडा वाला भी, ठंडा आप तो बोले ना, फिर 15 का है, 15 का ही तो है वो। भैया सीओर के लिए लोकेशन कहाँ मिलेगी? तो भाई साहब यहाँ पर भी धंधेली होती है 20 का, ठीक है, बोला तो नॉर्मल दिया नहीं, और ठंडा भाई मांग रहा है 20 का, ठीक है, वही सेम रेट। हाँ भाई शायद ये अपनी आ रही है नर्मदापुरम से, वो नर्मदापुर एक्सप्रेस है ना, वो गाड़ी है, ये है अपनी। अभी इसको ओवरटेक किया था हमने, कवर नहीं कर पाया इसको, जा रही है इंदौर की तरफ नर्मदा एक्सप्रेस। तो
दोस्तों, बाकी अपन लोग हो चुके हैं डिपार्ट अपने भोपाल जंक्शन से। हाँ, बगल में खड़ी हुई है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। बाय बाय भोपाल। और दोस्तों, बात करें भोपाल जंक्शन के बारे में, तो यहाँ से एक लाइन चले जाती है मार्क्सी की तरफ, और एक लाइन जहाँ बढ़ने वाले हैं बीना की तरफ, और एक लाइन इटारसी तक की तरफ से जहाँ से हम आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा जंक्शन बन जाता है ये भी। ठीक है, और दोस्तों ये है अपनी पुष्पक एक्सप्रेस, लखनऊ से सीएसएमटी की तरफ जा रही है। तो भाई सब देखो इसमें जनरल का हाल क्या हाल है, हाल और बेहाल है। स्लीपर भी वही कंडीशन, देखिए भाई पूरा दरवाजे तक पैक, एकदम जाम पैक है भाई। ये 5-6 स्लीपर है भाई इसमें, सारा एसी हो गया अभी। तो यहाँ पर दोस्तों बैक टू बैक भाई गाड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए वैग नाइन भी लगा हुआ है अपना फ्रंट इसके साथ, और रजनी का वैब 7 के साथ कोई गाड़ी लगी हुई है। चुके अपने झांसी जंक्शन। दोस्तों 1509 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पे। ठीक है, और बाकी ये है अपना कुछ ऐसा हाल, और बाकी भीड़ काफ़ी थी, अभी थोड़ा भीड़ कम होने के बाद ही बाहर आया हूँ भाई स्टेशन के। ठीक है, तो ये कुछ हाल है अभी फिलहाल। तो दोस्तों अब जाकर झांसी में अपने OBHS स्टाफ आए हैं, और काम चल रहा है भाई अपना वॉशरूम का क्लीनिंग वगैरह, और यहाँ पर अपना रिफिलिंग भी हुआ जाएगा पानी वगैरह का, देख सकते हो यहाँ पर। तो अच्छी बात है भाई, OBHS स्टाफ भी आते हैं इस ट्रेन में। ठीक है, अच्छी बात है। अभी आने का समय था 11:42, और आए थे यहाँ पर 22 मिनट बिफोर, यानी 11:20 को, और लगभग यहाँ पर अभी गाड़ी आधा घंटा रुकेगी, बिकॉज 42 को था यहाँ पर आने का समय, और 8 मिनट गाड़ी यहाँ पर रुकती थी। तो ये टोटल ना वही गाड़ी अपना 8 मिनट हॉल्ट के साथ आई है, मतलब 8 मिनट हॉल्ट करेगी यहाँ पर, प्लस 22 मिनट जो बिफोर आई, तो आधा घंटा गाड़ी यहाँ पर हॉल्ट करेगी। बाकी यहाँ पर मेंटेनेंस भी हुआ अपना कोचेस का। ठीक है, और बाकी जंक्शन के बारे में बात करो तो भाई यहाँ से निकल जाती है एक लाइन प्रयागराज की तरफ, एक आगरा कैंट की तरफ जहाँ हम लोग बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन अपने कानपुर सेंट्रल की तरफ। तो अच्छा खासा जंक्शन बन जाता है भाई ये। और ये अपन आ चुके हैं अपने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जोन के झांसी डिवीज़न में, और जो कि भाई
यहाँ पर टोटल 286 ट्रेनें हॉल्ट करती है और 18 ट्रेन ओरिजिनेट और 18 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने झांसी रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है इसका VGLG। तो यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है अपने झांसी जंक्शन में और यहाँ का फेमस है भाई, आपको नाम से तो पता ही चल गया होगा, यहाँ पर बर्थ प्लेस है अपने वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जी का, जो कि अपने एक तरह से आप रानी कह सकते हो, जो झांसी की रानी। तो सर आपको यहाँ पर खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी अपने झांसी पे। और दोस्तों फिलहाल यहाँ 11 ही बजा है और गर्मी लगभग 38 डिग्री चल रही है भाई। तो यहाँ तक आगे तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं डिपार्चर में आपको। सो भी नहीं पाए थे तो 2-3 घंटा सोया उतना ही, बाकी नींद आ रहा था मेरे को। तो सुबह मैंने मतलब बीना के बाद थोड़ा सोया हूँ। तो बाकी आपको ये यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब करना। और वही थोड़ा इसमें दिक्कत होता है सोने में, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड भी रहता है ना, और ऊपर से गर्मी शुरू हो गई है भाई, पूरा एकदम पसीना पसीना हो रहा है भाई। वही सुबह से 2-3 बार मुँह धोया हूँ, ऐसा हो गया, इतना गर्मी लग रहा है। लगभग 38 से 40 डिग्री चल रहा है भाई अभी सुबह 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 11 बजे 12 बजे। दोपहर तक तो 45 तक जाता होगा। अगर अपनी मंगला लक्षद्वीप जा रही है अपने गोवा की तरफ, एर्नाकुलम की तरफ, ठीक है। मतलब ये अंडा बिरयानी है 120 का और इनमें थोड़ा वही बच के, बाकी स्टेशन से आप वगैरह खाना ले सकते हो या फिर ऑर्डर कीजिए रेलवे स्टोर से, ठीक है। और ये देखिए अपना, देखते हैं टेस्ट इसका क्या क्या है। बाकी साइड बैंटे से लिया है हमने, रेट कम बोला तो किया नहीं और बोलते हैं कि बिल ही नहीं है भाई, तो क्या किया जाए, कंप्लेंट किया जाए या फिर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताना। इसके आगे से हम लोग अपना एक्शन शुरू करेंगे अपने रेल मदद में या फिर ऐसे अपना ट्विटर में ट्वीट करके, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है, मतलब ये करना चाहिए या नहीं, मतलब इसका कंप्लेंट। हे प्रभु, ये क्या हुआ भाई, हो गया भाई हमारे साथ स्कैम, फूड स्कैम है ना। अपना एग आने वाला था भाई अपना, तो भाई आज अपने एंटनी भैया रिव्यू करेंगे, क्योंकि हर व्लॉग में मैं ही करता हूँ रिव्यू, है ना। तो इस बार आज अपने आगे देख सकते हो ग्रेवी तो दिख रहा है थोड़ा बहुत अभी। चलिए और ऊपर से रेट तो आपको पता ही है क्या है, बताइए आप ही। तो 120 चार्ज किया है। क्या लगता है, बर्फ फुल है या नहीं? नहीं ना, यही रिव्यू देख के समझ सकते हो भाई क्या ही है। तो मैं तो रिव्यू नहीं बताया आपको, अपने भाई ही बताया, वरना ये कोई फेक वाला भी रिव्यू नहीं है, एकदम जेन्युइन रिव्यू है, ठीक है। तो आप क्या करिए, स्टेशन से ही ऑर्डर कीजिए सबसे पहले। अगर 120 चीज़ का यही देना है तो वहाँ से अच्छे से 150 में या फिर 200 का थाली मिलता है, अच्छा खाना मिलेगा होटल वाला। लेकिन अगर ऐसे इसमें फंसोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए अभी नेक्स्ट टाइम से हम भी देखेंगे अपना रेलवे स्टोर से वगैरह मंगाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मजबूरी है करके लेना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं आपको ग्वालियर में। बाकी देख ही सकते हो यहाँ पर मटर वगैरह है भाई, इसमें पलाव ही लग रहा है भाई, देख सकते हो, है ना। देखिए मटर, बाकी यही पराह ही टेस्ट करते फिलहाल। आप भाई के साथ कोई गाड़ी नहीं है भाई, ये जन साथ आप दिए थे। इसको मैं 10 में से भाई 4 या 3 रिव्यू दूंगा, हाँ ये नहीं है, ऊपर से मसाला भी ज़्यादा है, ठीक है। प्रभु ये क्या हुआ भाई, हो गया भाई हमारे साथ स्कैम, फूड स्कैम है ना। आने वाला था भाई अपना एग बिरयानी और आज आया है अपना एग पुलाव, भाई क्या ही है। और ऊपर से साला अपना 120 रुपये चार्ज, भाई लूट ही लूट मचा रखी है भाई गाड़ी में। तो दोस्तों अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है ग्वालियर जंक्शन। तो
तो दोस्तों लगभग 1606 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन जंक्शन पॉइंट, इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है इटावा जंक्शन की तरफ और एक लाइन अपने गुना की तरफ और एक लाइन जहाँ से हम मतलब आगे बढ़ने वाले हैं ढोलपुर होते हुए अपने अपने इस तरफ आगराकंड की तरफ और एक लाइन अपने वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो अच्छा खासा जंक्शन पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। 186 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और 17 ट्रेन ओरिजिनेट और 17 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने ग्वालियर जंक्शन से, ठीक है। और भाई यहाँ पर चार प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है भाई वैसे, और स्टेशन कोड है GWL और यहाँ पर आने का समय था 1:10 और 1:12 को डिपार्चर, लेकिन आए हैं हम लोग लगभग 50 मिनट डिले के साथ, मतलब लगभग 2 बजे आए हैं और 2:02 पर डिपार्ट हो गए, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट हॉल्ट अगने आगरा कैंट में। दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है आगरा छावनी यानी आगरा कैंट, 4:10 को पहुंची है भाई, लगभग 45 मिनट लेट यहां पर। तो भाई साहब पब्लिक यहां पर पूरा पैक हो जाएगा भाई, बाहर जाऊं या नहीं समझ ही नहीं आ रहा भाई, अभी मैं क्या करूं, देखते हैं अभी जाना है या नहीं, बाद में बाहर जाके आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा स्टेशन कैसा है, और फिलहाल तो पैक हो जाएगा। इधर देखो यहाँ ये अपना पीछे भी और भीड़ आ ही रही है अभी, ये देखिए पूरा अपना जनरल क्लास, ये अपना स्लीपर क्लास में आ गए पूरे जनरल क्लास के लोग, वही है अभी ये गाड़ी पूरा पैक चलेगा भाई, दिमाग ख़राब अब यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पर आने का गाड़ी का समय था लगभग 3:25 और यहाँ पर हम लोग आए हैं लगभग 4:10 में और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी 3:30 डिपार्चर और अभी फिलहाल 4:15 को हम लोग निकले हैं यहाँ से अपने आगरा कैंट, स्टेशन कोड AGC, ठीक है। और दोस्तों यहाँ टोटल 183 ट्रेनें हॉल्ट करती है अपने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में, 14 ओरिजिनेट और 14 ट्रेन टर्मिनेट करती है अपने आगरा से, और टोटल 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है अपना आगरा कैंट, ठीक है। और भाई ये भी आता है, ये अपना आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आगरा डिवीजन में, और ये खुद वर्ड खुद डिवीजन है भाई आगरा अपना। चलिए भाई गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है अपने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, यार ये अपनी इंडिया के फास्टेस्ट वंदे भारत रानी कमलापति और अराइव करी अभी अपने आगरा कैंट पर, अराइव करेगी अपनी वंदे भारत। कोच की अपनी वंदे भारत है भाई, देखिए फेंसिंग वगैरह किया गया है अपने इस मथुरा लाइन में, बिकॉज कैटल रन ओवर हो जाता है यहाँ पर इस रूट में, क्योंकि गतिमान वगैरह भी इसी रूट से जाती है ना, इसके लिए गतिमान भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस और अपनी फास्टेस्ट वंदे भारत भी यहीं से जाती है इसके लिए। दोस्तों यहाँ RPM के वेब 7 के साथ जा रही है अपनी, जबलपुर जा रही है अपनी, निजामुद्दीन से आ रही है गाड़ी। निजामुद्दीन जबलपुर महाकौशल कौशल एक्सप्रेस, भैया अराइव कर चुके हम लोग अपने मथुरा जंक्शन को। तो यहाँ पर पूरा जनरल जाम पैक एकदम, देख ही सकते हो भाई पूरा रश, स्लीपर का भी वही हाल है इस मथुरा रेलवे स्टेशन पे। तो बाकी मैं आ गया हूँ होटल अभी और मैं कवर नहीं कर पाया स्टेशन का, बाकी स्टेशन कोड है MTJ और गाड़ी यहाँ पर लगभग आई थी अपने 5:12 में, आने का समय था 4:12, तो 1 घंटा एग्जैक्ट डिले के साथ आई थी अपनी
कोल्हापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस, ठीक है। और वैसे अपना गाड़ी का समय यहाँ पर मतलब जैसे 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर, तो गाड़ी 5 मिनट एग्जैक्ट रुकी, 5 मिनट से ज़्यादा ही रुकी, बिकॉज पैसेंजर लोग सारे लोग मतलब जैसे अपने पूरा स्लीपर को भी जनरल बना के रख दिया यहाँ से पूरा, मतलब ऐसा हो गया। तो बात करें मथुरा जंक्शन के बारे में, तो भाई यहाँ टोटल 10 प्लेटफॉर्म है अपने मथुरा जंक्शन में, बाकी 224 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती है अपने, और बाकी 12 ट्रेन ओरिजिनेट और 12 ट्रेन टर्मिनेट करती है, टोटल 10 प्लेटफॉर्म का है। बाकी फर्स्ट से लगभग 6 से 7 प्लेटफॉर्म उस तरफ अपने गेट नंबर 2 से आप मिल जाएगा, और बाकी गेट नंबर 1 से आपको 8, 9, 10 वाला प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो 3 प्लेटफॉर्म इस तरफ है अपने गेट 1 की तरफ, और गेट 2 से आपको बस मिल जाएगा मथुरा वृंदावन, मतलब वृंदावन के लिए सभी बसेज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, एसी के और नॉन एसी भी मिल जाएगा आपको। बाकी 30 रुपये का किराया लगता है, आप जा सकते हो अपने प्रेम मंदिर या फिर भाग्य बिहारी। मथुरा जंक्शन जंक्शन क्यों है ये बताते हैं आपको। पहली बात तो ये एक लाइन जाती है अपने भरतपुर की तरफ, और एक लाइन अपने अलवर की तरफ, और एक लाइन अपने न्यू दिल्ली की तरफ, और एक लाइन आगरा कैंट की तरफ से आती है, और एक लाइन वृंदावन जो अपना रेल बस था वो अभी शायद सर्विसेज उसकी बंद हुई है, चली हुई है अभी, मेरे को कुछ उसका पता नहीं है। और दोस्तों एक लाइन खासगंज, और एक लाइन अपने अजनेरा जंक्शन की तरफ, तो लगभग 7 रूट की तरफ गाड़ी यहाँ से मूव करती है अपने मथुरा जंक्शन से। बाकी आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी तो, और फूड पेंट्री का अपना मतलब फूड स्कैम आपको समझ आ ही गया होगा, तो भाई आप गलती से फूड वगैरह लेना नहीं। पंक्चुअलिटी के नाम पे मतलब थोड़ा बहुत लेट हो गई, थोड़ा काम मतलब बीच में थोड़ा चल रहा था तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, और मतलब उसका ऑर्डर पे रोक दिया गया था, इसके लिए गाड़ी अपना लेट पहुंची है। और प्रायोरिटी अच्छा गाड़ी है, और स्लैक थोड़ा कम ही दिया गया है, जैसे रेगुलर ट्रेन को दिया जाता है वैसे नहीं दिया गया। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और रिव्यू पसंद आया होगा तो, और वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल ठीक ठाक है, क्योंकि अपना झांसी में भी क्लीन हुआ था, अपने OBS स्टाफ्स भी आए थे। बाकी चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। और ताकि दूसरे के साथ फूड स्कैम ना हो, सबसे बेस्ट है तो अपना ऑनलाइन मंगा लीजिए, या फिर अपना, और मैं ऑनलाइन आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम में कैसे अपना ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं खाने वगैरह का, और या फिर स्टेशन से खाना ले लीजिए, मैं वो प्रेफर करूँगा सबसे अच्छा, और साइड पंट्री से लेने से अच्छा है ना। बाकी चलिए जय हिंद एंड जय श्री राम।